बाद में एक बज़ाहिर एक छोटा सा इशू है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई फैसल हिल्स की, जिसमें एक उन्होंने नई चीज़ दी कि फुल पेमेंट के ऊपर आप एग्जेक्टिव ए बी और सी के अंदर प्लॉट्स ले सकते हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैर बशीर और आप देख रहे हैं MZS TV। और इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हम आपको रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप एक अच्छा और मैच्योर डिसीजन कर सकें। आज मैं एक बज़ाहिर एक छोटा सा इशू है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई फैसल हिल्स की, जिसमें एक उन्होंने नई चीज़ दी कि फुल पेमेंट के ऊपर आप एग्जेक्टिव ए बी और सी के अंदर प्लॉट्स ले सकते हैं, जिनके मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक हैं वहाँ पे राउंड अबाउट 65 लाख में आपको 5 मरले का मिल रहा है, और बी और सी में जा रहे हैं तो 55 लाख में मिल रहा है। तो उस वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में हमारे एक बहुत प्यारे व्यूवर तनवीर अहमद साहब ने कमेंट किया कि जो कीमत बताई जा रही है ये जस्टिफाई नहीं कर रही, इट्स राउंड अबाउट 25 to 30 लाख ओनली। तो ये उनका ओपिनियन था, मैं उनके ओपिनियन को भी रिगार्ड करता हूँ, एहतराम की नज़र से देखता हूँ। हर बंदे का अपनी अपना ओपिनियन होता है, और जिसका जो भी ओपिनियन है वो एहतराम के लायक होता है। लेकिन इसी एहतराम के साथ मैं उनसे प्यार के साथ डिसएग्री करना चाहता हूँ। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो जनरली उनकी बात किसी हद तक ठीक है। वो इस तरह कि जनरल जो ज़मीन का रेट है जीटी रोड के साथ अगर कहें तो कह सकते हैं ठीक है जी, 5 मरले का प्लाट 25 से 30 लाख का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 55 और 65 का रेट बताया जा रहा है। लेकिन देखिए, एक ही ज़मीन और एक ही एरिया और एक ही लोकेशन के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंशिएट कर देती हैं उसकी वैल्यू को। वैल्यू एडिशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वैल्यू एडिशन में वहाँ पे लेवल ऑफ़ डेवलपमेंट कि किस स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट हो रही है, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी दी जा रही हैं, और लीगल स्टेटस, और वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी, वहाँ पे कमर्शियल, बैंक, प्लेग्राउंड्स और स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। अगर इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो कीमत है वो जो सोसाइटी से बाहर जो ज़मीन है या वो जगह जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं वहाँ पे डिफरेंस आएगा। आप सोसाइटी से बाहर चले जाएं तो आपको इस रेट में चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इस लोकेशन में इन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेंगे तो आई थिंक ये फिर कीमत ऊपर आ जाती है। हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ ये रहा है कि दिखाया और जाता है, बेचा और जाता है, चीज़ की कीमत वो ली जाती है जो सबसे अप स्टैंडर्ड की होती है, लेकिन जब चीज़ को खोल के देखा जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, तो पता चलता है कि यार ये तो सब स्टैंडर्ड निकल आई है और हमने पैसे फुल पे किए हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आ रहे होते हैं सोसाइटीज़ में। आप बहुत जगह पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया जो उस वक्त वीडियो देख रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम नहीं आ रहे कि उन्होंने इतने सालों से इन्वेस्टमेंट की, 5-5 साल 10-10 साल और इससे भी ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट एक जगह पे हुई हुई है, लेकिन उनकी प्राइसेस वहाँ के वहीं पे रुकी हुई हैं। क्या फ़र्क आ रहा है? फ़र्क ये आ रहा है कि वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर रहे। अगर डेवलपमेंट है तो सब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है, जस्ट रोड्स और सीवरेज वगैरह का काम होगा, प्लेग्राउंड्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ और कमर्शियल इस तरह के वो नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनके रेट उसी जगह पर रुके रहते हैं। तो जिस वक्त आप अच्छे स्टैंडर्ड की चीज़ की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में फैसल हिल में जो ये चीज़ दी जा रही है, जो शायद जिन लोगों को थोड़ी सी ये कीमत में ऊपर नज़र आ रही है, मैं उनके ओपिनियन को भी डिसरिगार्ड नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ ये गोश गुजार करना चाहूँगा कि जो फैसिलिटीज़, लीगल स्टेटस और चीज़ें और लोकेशन देखी जाए तो आई थिंक इन सब वैल्यूज़ के एडिशन के बाद
ये रेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। और आप इससे इर्द गिर्द जाएंगे, B17 में अगर आप जाते हैं तो B17 का अच्छा स्टैंडर्ड है, वहाँ पे वो रेट्स काफ़ी ऊपर हैं। लेकिन आप उसी के साथ अगर जाते हैं D17 में चले जाते हैं या और इसके इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ हैं जो वेल मैनेज नहीं हैं, जो वेल डिवेल्प नहीं है, तो वहाँ पे रेट्स वाकई डाउन है। लेकिन जहाँ पे अच्छी स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं वहाँ पे रेट अप हैं। तो ये एक पॉइंट था, तो आपका फीडबैक था, तो मैंने कहा इस फीडबैक के ऊपर वीडियो बनती है। तनवीर साहब का शुक्रिया, आपने फीडबैक दिया, और बाकी भी जितने भी दोस्त अहबाब ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक देते हैं, हम उसको सीरियस लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको भी पूरा वज़न दिया जाए। और आप इसी तरह फीडबैक देते रहें और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह मिलजुल के आगे चलें, आपके साथ टू वे कम्युनिकेशन हमारी जारी रहे, और हम वो कुछ कर सकें, वो कुछ डिलीवर करें जो आप चाह रहे हैं। यही MZS का मोटो कह लें आप, यही इस प्लेटफॉर्म में हमारा विजन है, और इसी को साथ लेके हमने आगे चलना है। वीडियो मुझे अगर आपको पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको रियल इस्टेट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ओरिजिनल वीडियोज़ साइट की और अच्छे एनालाइज जो हैं वो आपको रियल इस्टेट के ऊपर मिल सकें। इसी के साथ ज़ुबैर बशीर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।